Hello and welcome to AD Explain. Today we will cover here part 2 of this chapter. Okay, part 1 has been already uploaded, so kindly watch that video then come part 2. Okay, here we will start from the synthesis of plant food other than carbohydrates. So let's start our topic, but before we start it, make sure to subscribe AD Explain and press the bell icon. प्रीवियस वीडियो में हमने एल्गी तक कवर कर लिया था कि एल्गी जो है कैसे अपना फूड सिंथेसाइज करती है, और जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं इसके अलावा जो लीफ हैं अदर लीव्स, इनके बारे में हमने डिस्कस किया था कि चाहे वो ग्रीन कलर की अपीयर हो, रेड हो, येलो हो, किसी भी कलर की हो, सभी फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं और अपना फूड स्वयं बनाती हैं। आगे बात करते हैं हम सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, इसका मीन्स क्या है। यहाँ पर देखना, यू हैव जस्ट लर्न, हमने अभी क्या पढ़ा है, दैट प्लांट्स सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट्स हैं, ओके, जितने भी प्लांट्स हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, थ्रू द फोटोसिंथेसिस, मतलब प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड स्वयं बनाते हैं। और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, जो प्लांट्स हैं उनका फूड होता है। कार्बोहाइड्रेट मीन्स क्या, हमने बात किया था ना, स्टार्च जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की यदि हम बात करें कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये क्या बनाते हैं मिलके, कार्बोहाइड्रेट को मेनली बनाते हैं। दीज आर यूज्ड, दीज का क्या मीन्स है, जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है इनका यूज होता है टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट। अदर कंपोनेंट को सिंथेसाइज करने, मतलब प्लांट्स के लिए यूजफुल बनाने में इन कंपोनेंट्स का यूज होता है। कौन से कंपोनेंट, जैसे प्रोटीन और फैट्स हैं, ओके, इनको सिंथेसाइज कौन करेगा, हाइड्रोजन कार्बन जो कार्बोहाइड्रेट है ये इनको सिंथेसाइज करेंगे। और आपको पता है ना प्रोटीन क्या होता है, बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है। यहाँ पर देख लेते हैं प्रोटीन का कंपोजिशन क्या है, प्रोटीन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। प्रोटीन मेनली बना होता है विद द नाइट्रोजनस सब्सटेंस, मतलब नाइट्रोजन से मिलकर प्रोटीन बना होता है। नाइट्रोजन आपको याद है ना, सिंबल क्या होता है, एन, एटॉमिक नंबर कितना होता है, आप कमेंट हम करके मुझे बताओ, हमें बताओ, ओके। यहाँ पर देखना, फ्रॉम वेयर डू वी गेट प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन, इसका मीन्स क्या है, जो प्लांट्स हैं उनको नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है, कहाँ से रिसीव होता है। हेयर यू कैन सी, जो नाइट्रोजन है वो प्रेजेंट होता है बहुत ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में, कितने परसेंट होता है, 78% जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन गैस मेनली हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। तो क्या प्लांट्स डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो गैस है जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, इसका सिंपली आंसर है नो। प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म, इसका मीन्स क्या है, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% है वो हमारे प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं की जाती। अभी हमने क्या देखा कि जो 78% नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है वो प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं की जा सकती। तो हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि प्लांट्स को उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए नाइट्रोजन कहाँ से आता होगा। सो आगे देख लेते हैं हम, सॉइल हैज़ द सर्टेन बैक्टीरिया, सॉइल में क्या होते हैं, बहुत से बैक्टीरिया होते हैं आपको पता है, उनमें से कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि जो गैस के फॉर्म में नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको यूजबल बना देते हैं, जिससे कि प्लांट्स एब्जॉर्ब कर पाएँ इन द सॉइल, मतलब जैसे प्लांट्स है यहाँ पे सॉइल है, ओके, सॉइल में कनेक्ट होता है रूट, और यहाँ पर हम जो क्या है, एयर है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को कुछ बैक्टीरिया यहाँ पर ऐसे हैं जो इस नाइट्रोजन को जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है इसको डिकम्पोज कर देंगे या फिर सॉइल में मिला देंगे। सॉइल में जैसे ही ये नाइट्रोजन मिल जाएगी प्लांट्स के द्वारा इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। नाइट्रोजन जो होता है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है थ्रू द वाटर, मतलब अलॉन्ग विथ वाटर जो नाइट्रोजन है वो एब्जॉर्ब कर लिया गया। आगे हम बात करते हैं जो फार्मर्स हैं अपनी फील्ड पर, अपनी खेत में, वो भी क्या करते हैं, कुछ फर्टिलाइजर्स होते हैं जिसको ऐड करते हैं, और उन फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन एक मेन रोल होता है, मतलब नाइट्रोजन को भी ऐड करते हैं। और जो प्लांट्स की रिक्वायरमेंट होती है, प्लांट्स की जो आवश्यकता होती है, वो ऐड किए गए फर्टिलाइजर के माध्यम से कम्प्लीट हो जाती है। फ्रॉम 1.3 हियर वी विल टॉक अबाउट अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, इट मीन व्हेन प्लांट्स, ओके, नॉट मेक देयर ऑन फूड, जब प्लांट्स अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते तब कैसे वो सर्वाइव करते हैं। यहाँ पर देखेंगे हम, देयर आर सम प्लांट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, ओके, रिमेंबर, आपको पता है ना क्लोरोफिल क्या होता है, एग्जैक्ट डिफिनेशन ऑफ क्लोरोफिल यू हैव टू रिमेंबर, दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, वो अपना फूड नहीं बना सकते, मतलब ऐसे प्लांट्स जो अपना फूड स्वयं नहीं बना सकते उनको बोला जा रहा है यहाँ पे। हाउ डू दे सर्वाइव, वो कैसे सर्वाइव करते हैं, फ्रॉम वेयर दे ड्राइव न्यूट्रिशन, उनको न्यूट्रिशन जो है कहाँ से मिलता है, जब
प्लांट्स अपना भोजन ही नहीं बना रहे, अपना फूड ही नहीं बना रहे, तो उनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? लाइक ह्यूमन एंड एनिमल, जैसे ह्यूमन और एनिमल क्या होते हैं, ये डिपेंड होते हैं प्लांट्स पे, ओके? फर्स्ट डिपेंड्स प्लांट ऑन द फूड प्रोडक्ट, जो ह्यूमन और एनिमल्स हैं वो किस पर डिपेंड होते हैं फॉर द सर्वाइवल, वो डिपेंड होते हैं कम्प्लीटली प्लांट्स पर। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं दे आर यूज हेट्रोट्रॉपिक मोड। हेट्रोट्रॉपिक मोड मतलब कि जब कोई प्लांट किसी दूसरे प्लांट पर डिपेंड हो, ओके, फॉर द सर्वाइव करने के लिए, तो इसको क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रॉपिक मोड। और जो अपने से खाना ना बना पाते उसको भी हम क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। हियर इमेज आपको दिख रही है, दैट इज अमरबेल, ओके, इसको अमरबेल। और इसके अलावा क्या बोलते हैं हम, कैस्केटा बोलते हैं। इसमें क्या है मेनली कि जो अमरबेल की जो स्टेम है वो दूसरे पेड़ पर लगी हुई है, आपको यहाँ पर दिख रहा है। और जो यहाँ पर अदर प्लांट्स है, जो भी ये न्यूट्रिशन बना रहा, जो भी अपना फूड बना रहा, उसी के बेस पर जो अमरबेल है उसका भी जो फूड है वो डराइव हो रहा है, ओके। इस कंप्लीट रीजन में आप डिस्क्राइब पाओगे अमरबेल के बारे में, ओके। अभी हमने क्या देखा, अमरबेल आपको येलोइश कलर का दिख रहा है, और ये जो दूसरे पेड़ हैं, दूसरे ट्रीज हैं, उसकी ब्रांचेस पर कम्प्लीटली क्या है, लगा हुआ है। और इसके अलावा आप यहाँ पर देखोगे कि जो अमरबेल है उसमें किसी भी टाइप का क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। जो दूसरा पेड़ है, दूसरा ट्री है, उसी के ऊपर क्या करता है, क्लाइम करता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जो वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं इस होस्ट पे, उसी से जो अमरबेल है वो अपनी लाइफ को सस्टेन करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो प्लांट्स हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स पाए जाते हैं जो कि इंसेक्टिवोरस होते हैं। इंसेक्टिवोरस का क्या मीन्स है, जब कोई भी प्लांट, ओके, यहाँ पर डायग्राम में देखना, जब कोई भी प्लांट किसी एनिमल को ईट करे, एनिमल को अपना भोजन बनाए, वो क्या कहलाता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहलाते हैं। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग रिमेन हियर, जो कैस्केटा है या अमरबेल है, ये कैसे प्लांट्स कहलाते हैं, ये पैरासाइट प्लांट्स होते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का स्ट्रक्चर समझ लो, यहाँ पर आपको दो डायग्राम दिख रहे होंगे। जो ये डायग्राम है सेकेंड नंबर, यहाँ पर आप देख पा रहे हो इसका स्ट्रक्चर कैसे, लाइक अ पिचर। पिचर मीन्स क्या होता है, पिचर मीन्स होता है आपका जो मटका होता है, ओके, पॉट, वो जिसे हम फुराही बोलते हैं, ओके, वो क्या कहलाता है, पिचर कहलाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इसके ऊपर लिड लगी हुई है, ढक्कन है, लिड मीन्स क्या होता है, ढक्कन होता है। यहाँ पर जैसे ही कोई एनिमल्स आके बैठता है, यहाँ पे जैसे ही कोई एनिमल्स आके बैठता है, ये लिड क्या होता है, कम्प्लीटली क्लोज हो जाता है, और जो एनिमल है वो अंदर की तरफ जाता है। और तब तक ये ओपन नहीं होता जब तक इस एनिमल की लाइफ एग्जिस्ट करती है, जब तक ये जीवित रहता है तब तक ये लिड ओपन नहीं होता। जैसे ही ये लिड ओपन होगा, मतलब जब ओपन होगा तब ये एनिमल जो होगा वो मर चुका होगा, ओके। यहाँ पर आप सेकेंड इमेज में कम्प्लीटली देख सकते हो छोटे छोटे जो पिक्चर बने हुए हैं यहाँ पे। और ये इसके अलावा ये कुछ हार्मोन्स का सिक्रीशन भी करते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनका ये सिक्रीशन करते हैं। इसके माध्यम से क्या होता है, एनिमल्स जो होते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट जो होते हैं, इनकी तरफ अटैक्ट होते हैं और इन पर आके बैठ जाते हैं। इस कंप्लीट रीजन में आपको यही मिलेगा अभी जो हमने डायग्राम के बारे में डिस्क्राइब किया, सो हम यहाँ पर डिटेल्स में इसमें नहीं जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पैरोट्रॉप्स की। स्पैरोट्रॉप्स की जब भी बात हो तो आपको केवल एक एग्जांपल याद रखना, दैट इज़ मशरूम, एंड इट इज़ आल्सो वर्क फॉर द वेजिटेबल, एज अ वेजिटेबल। हियर यू कैन सी इन आई इमेज मशरूम, आपको यहाँ पर मशरूम दिख रहे होंगे। सो लेट्स फाइंड आउट, चलो फाइंड आउट करते हैं कि मशरूम को कौन कौन सी न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है फॉर द सर्वाइव करने के लिए, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनको कहाँ से रिसीव होते हैं। एक्टिविटी फॉर यू, एक्टिविटी 1.2, ओके, रिमेंबर इट। चलो बात करते हैं, इसमें बोला क्या जा रहा है कि आपको एक पीस ब्रेड का टुकड़ा लेना है और उसमें क्या करना है, थोड़ा सा मॉइस्ट वाटर लगा देना है या मिला देना है। आफ्टर 2 or 3 days, 2 or 3 दिनों के बाद वहाँ पर आपको कुछ छोटे छोटे पैचेस दिख जाएंगे। आप जस्ट अ मिनट, यहाँ पर इमेज में देखना, या यहाँ पर आप ब्रेड देख पा रहे हो, ओके, और कुछ दिनों तक यहाँ पर क्या था, पानी था, वाटर पड़ा हुआ था। उसके बाद यहाँ पर आपको पैचेस दिख रहे हैं, लिटिल बिट ग्रीन है ना, ग्रीन कलर के। ये पैचेस क्या हैं, इन पैचेस को हम बोलते हैं फंगी, ओके, फंगी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगी। अभी हमने जिसके बारे में बात की, जो ब्रेड पर लगे हुए थे, इनको क्या बोलते हैं, फंगी बोलते हैं, ओके। जो फंगी होते हैं इनका जो न्यूट्रिशन का मोड होता है वो डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग तरीके से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं या रिसीव करते हैं। दिस मोड न्यूट्रिशन, मतलब वो मोड जहाँ पे इनको न्यूट्रिशन मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पिरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, स्पैरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और मेनली इनको न्यूट्रिशन रिसीव कहाँ से होता है, जो डेड एनिमल्स हो चुके हैं या डेड प्रोडक्ट जो भी हैं वहाँ से फंगी को न्यूट्रिशन रिसीव होता है। एंड जो ऑर्गेनिजम्स स्पैरोट्रॉपिक मोड में न्यूट्रिशन को रिसीव करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्पैरोट्रॉप्स बोलते हैं।
फंगी अल्फो ग्रो, जो फंगी है वो कहाँ पे ग्रो करते हैं ये देख लो, जैसे पिकल्स है, लेदर है, क्लॉथ्स है, एंड मेनली ये ग्रो करते हैं ड्यूरिंग द हॉट एंड ह्यूमिड वेदर। जब भी वेदर क्या, वेदर मतलब क्या होता है, मौसम होता है, जब भी मौसम ह्यूमिड हो, ओके, मतलब लिटिल बिट वाटर हो, तब फंगी लगने का चांस जो है ज़्यादा होता है। और हिंदी में इनको हम कवक बोलते हैं। वेट एंड वार्म जो थिंग होती हैं, मतलब वेट मीन्स क्या होता है, जो गीला होता है वेट कहलाता है, और वार्म मीन्स गर्म जो होता है, गर्म जो होता है, इन थिंग्स पर ज़्यादा से ज़्यादा फंगी जो होती है वो लगती है, जर्मिनेट होती है, जर्मिनेट मतलब उगना होता है। नाउ यू कैन फिगर आउट, पता करना है कि जो फंगी है उससे आप अपने प्रोडक्ट की कैसे रक्षा कर सकते हो, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। बात करते हैं दैट इज़ सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस मेनली क्या होता है, जब एक कोई व्यक्ति समझो दूसरे पर कम्प्लीटली डिपेंड हो और दूसरा कम्प्लीटली डिपेंड हो पहले पे, ओके, मतलब क्या हो, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हो, इंटर डिपेंड हो, इनको क्या बोलते हैं, हम सिम्बियोसिस बोलते हैं। ये केस किस में होता है, फंगी में भी होता है और प्लांट्स में भी होता है। जैसे कि इसको देख लेते हैं जस्ट अ मिनट, सम ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म्स ऐसे होते हैं जो लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट, मतलब आवाज़ भी शेयर करते हैं और अपने न्यूट्रिएंट्स भी एक दूसरे को शेयर कर देते हैं। दिस रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, सिम्बियोसिस बोलते हैं, ओके, मतलब क्या है, एक प्लांट्स है समझो और दूसरा कोई फंगी है, तो फंगी क्या डिपेंड रहेगा, प्लांट्स के ऊपर फॉर द सर्वाइव, और प्लांट्स आल्सो डिपेंड ऑन फंगी, ओके। यहाँ पर देखते हैं कैसे, फॉर एग्जांपल के लिए बताया गया है, कुछ फंगी ऐसे हैं जो रहते हैं इनसाइड द रूट ऑफ प्लांट्स, मतलब प्लांट्स की जो रूट होती है ना उसके अंदर रहते हैं कुछ फंगी। प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू फंगस, जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स देते हैं फंगस को, और रिटर्न में फंगस क्या देते हैं, वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्लांट्स को दे देते हैं, कौन, फंगी, ओके। नहीं समझ में आया, अगेन देख लेना, जैसे कि ये क्या है, प्लांट्स समझो और ये फंगी है, फंगी कहाँ पे रहेगा, प्लांट्स के रूट के अंदर, फंगी क्या करेगा, प्लांट्स को वाटर दे देगा और कुछ न्यूट्रिएंट दे देगा, और जो प्लांट्स है वो क्या दे देगा, प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट, प्लांट्स आल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिएंट, है ना, प्लांट भी उसको न्यूट्रिएंट दे देगा। इफ इंटर रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, सिम्बियोसिस बोलते हैं। आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो इन अ गार्डन, सो माइट बी यू लिसन बर्ड साउंड, ओके। सिम्बियोसिस को देख लिया, अब हम डिस्कस करेंगे लाइकेंस के बारे में। इसको हम क्या बोलते हैं, लाइकेन, याद रखना, ओके। स्पेलिंग क्या है, LICHENS, ओके। सो लेट स्टार्ट, इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लाइकेंस, इन ऑर्गेनिजम्स को हम लाइकेंस बोलते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स, जैसे एल्गे है और कुछ फंगी होते हैं, जब ये दोनों साथ में रहते हैं, टुगेदर लिव रहते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं। लाइकेन भी इंटरडिपेंडेंट होते हैं, मतलब एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, कैसे, यहाँ पर देखना, जो फंगस है लिव टुगेदर, ये हमने पढ़ लिया, जो फंगस प्रोवाइड शेल्टर, फंगस क्या करता है, रहने की जगह देता है, वाटर देता है और मिनरल्स देता है, ओके। और जो एल्गा है वो क्या करता है, एल्गा एंड रिटर्न द एल्गा प्रिपेयर एंड प्रोवाइड फॉर द फंगस, मतलब कि एल्गी जो है, एल्गी बोले मतलब सहवाल, ओके, और फंगस मतलब जो होता है कवक होता है, तो जो सहवाल है वो क्या करता है, इन रिटर्न क्या देता है, एल्गा प्रिपेयर फूड, फूड बनाता है और रिटर्न कर देता है फंगस को। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, जो फंगस है और इधर क्या है, एल्गा है या एल्गी है, फंगस क्या करेगा, शेल्टर देगा एल्गी को, उसके अलावा क्या देगा, मिनरल्स देगा और वाटर देगा, इन रिटर्न एल्गी क्या दे देगा फंगस को, वो फूड प्रिपेयर करेगा मतलब भोजन बनाएगा और फंगस को दे देगा। इस कंप्लीट प्रोसेस को जो होती है ये किस में होती है, ये लाइकेंस में होती है। 1.5 में पूछा जा रहा है आपसे, हाउ न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स है कैसे रिप्लेनिश्ड किए जाते हैं इन द सोयल, रिप्लेनिश्ड का क्या मीन्स होता है, देखना एग्जांपल के थ्रू समझना। जैसे एक प्लांट्स है, प्लांट है, ओके, ये क्या कर रहा, बहुत सी न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर रहा थ्रू द सोयल, सोयल से एब्जॉर्ब कर रहा। अब बहुत ज़्यादा जब प्लांट्स होंगे तो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो हो सकता है मे बी इट्स अ पॉसिबिलिटी कि न्यूट्रिएंट्स जो है वो समाप्त हो जाए, न्यूट्रिएंट बचे ही ना, तो जो सोयल है, अर्थ है, वहाँ पर न्यूट्रिएंट फिर से वापस कैसे आ जाते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। इनके आपने देखा है कि जो फार्मर्स हैं, ओके, फार्मर्स कौन, जो किसान होते हैं, वो स्प्रेड करते हैं मैन्यूअर और फर्टिलाइजर को इन देयर फील्ड, अपनी फील्ड, फील्ड मीन्स क्या होता है, जैसे खेत है ना, खेत में क्या करेंगे, मैन्यूअर को और फर्टिलाइजर को यहाँ पर ऐड करेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें मेनली न्यूट्रिएंट ही होते हैं। डू यू नो, क्या आपको पता है वाई दिस डन, वाई इज दिस डन, मतलब कि ये क्यों किया जाता है, ये प्रोसेस क्यों की जाती है फार्मर्स के द्वारा। तो देख लेते हैं कि जो फार्मर्स हैं वो अपने प्लांट्स पर या अपने फील्ड पर क्यों मैन्यूअर और फर्टिलाइजर को ऐड करते हैं। यू हैव लर्न, हमने क्या पढ़ा है, प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉयल, कि जो प्लांट्स हैं वो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से रिसीव करते हैं, फ्रॉम द सॉयल से, मतलब मिट्टी से। सो देयर अमाउंट इज सॉयल कीप ऑन डिक्लाइनिंग,
तो वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट है वो क्या होता है, डिक्लाइन होता है। डिक्लाइन मतलब क्या होता है, मिटिगेट होना या कम होना। फर्टिलाइजर एंड मैन्यूअर कंटेन न्यूट्रिएंट, जो फर्टिलाइजर है उसमें और मैन्यूअर, इसमें मेनली होता क्या है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट मीन्स क्या होता है, पोषक होता है, ओके, जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और न्यूट्रिएंट में क्या होता है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, एटसेट्रा, दीज कंपोनेंट्स आर कंपाइल विद द न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स मीन्स फर्टिलाइजर और मैन्यूअर, मैन्यूअर में ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, कंपाइल होती हैं। सो जब ये चीज़ें सॉइल में जाएंगी या मिट्टी में जाएंगी तो क्या होगा, सॉइल में जाने के बाद, जस्ट अ मिनट, या सॉइल में जाने के बाद ये सभी चीज़ें सॉइल में मिल जाएंगी और जो न्यूट्रिएंट है उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। रिजल्ट क्या होगा, दिस न्यूट्रिएंट, जो न्यूट्रिएंट अभी हमने मिलाए जैसे पोटेशियम फास्फोरस मिलाएं, इसका रिजल्ट होगा कि जो सॉइल होगी वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट आ जाएंगे और जो हमारे प्लांट्स हैं और जो हमारी एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं वो इजीली ग्रो कर पाएंगी और हेल्दी ग्रो करेंगी। इफ़ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायर ऑफ प्लांट, यदि प्लांट्स की जो भी रिक्वायरमेंट है या जो भी आवश्यकता है हम उसको पूरी कर देते हैं तो प्लांट्स का डेवलपमेंट या ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगा। यूजुअली और जनरली क्या होता है कि जो क्रॉप्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन चाहिए। एंड द सॉइल बिकम डिफिशियंट इन नाइट्रोजन, और सॉइल में क्या है, डिफिशियंट है, मतलब नाइट्रोजन क्या है, कम है। आपको पता है नाइट्रोजन की 78% है और ये कहाँ पर है, कम्प्लीटली एटमोसफियर में है, गैसियस फॉर्म में है। बट आगे देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है, नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर, एयर में बहुत ज़्यादा, एटमोसफियर में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन है, बट प्लांट्स, जो प्लांट्स हैं, कैन नॉट यूज़ इट इन मैनर, मतलब कि प्लांट्स इसको यूज़ नहीं कर पाते, उनको दूसरे तरीके से नाइट्रोजन चाहिए होती है। प्लांट्स कैन नॉट यूज़ इट इन अ मैनर, दे कैन यूज़ द कार्बन डाइऑक्साइड, वो कौन सी गैस यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं। आगे देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है, दे नीड नाइट्रोजन, उनको नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, बट किस फॉर्म में, सॉल्युबल फॉर्म में, सॉल्युबल मतलब जैसे कि पानी में मिली हुई हो, पानी में घुली हुई हो या सॉइल में घुली हुई हो, उस फॉर्म में नाइट्रोजन चाहिए, उनको गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती। इसका काम कौन करता है, मतलब सॉल्युबल फॉर्म में नाइट्रोजन को कन्वर्ट कौन करता है, ये काम करता है एक बैक्टीरियम पाया जाता है जिसका नाम क्या है, राइजोबियम होता है। राइजोबियम के बारे में देख लेते हैं, राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन जो है इसको राइजोबियम लेता है एंड कन्वर्ट इट, और नाइट्रोजन जो भी है एटमॉस्फेयर के उसको कन्वर्ट कर देता है यूजेबल फॉर्म में, जिससे प्लांट क्या कर सके, उसको यूज़ कर सके। बट आगे क्या होता है, राइजोबियम कैन नॉट मेक इट ऑन फूड, राइजोबियम जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता। सो इट ऑफन लिव इन द रूट ऑफ ग्राम, और राइजोबियम रहता कहाँ पे, जैसे ग्राम है, पीस है, मूंग है, बीन्स हैं, इन सभी के रूट में राइजोबियम रहता है। एंड अदर लेग्यूमिनस एंड प्रोवाइड देम विथ नाइट्रोजन, और उनको नाइट्रोजन प्लांट्स को प्रोवाइड कराता है। आगे देख लेते हैं, इन रिटर्न, रिटर्न क्या करते हैं प्लांट्स, द प्लांट्स प्रोवाइड फूड और शेल्टर, जो फूड और शेल्टर हैं वो प्रोवाइड कराते हैं प्लांट्स। देखना, प्लांट्स क्या करते हैं, फूड और शेल्टर मतलब कि खाना और रहने की जगह प्लांट्स देते हैं, मतलब उनके रूट में रहते हैं ना, रूट में कौन रहता है, राइजोबियम रहता है, और राइजोबियम का क्या करता है प्लांट्स के लिए, वो जो गैस है, गैस नाइट्रोजन जो है उसको सॉल्युबल फॉर्म में या ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जहाँ से प्लांट अडॉप्ट कर सकें। एंड इस इंटर रिलेशन को क्या बोलते हैं, सिम्बियोटिक रिलेशन बोलते हैं। सिम्बियोटिक रिलेशन में देखा था ना, जब कोई एक दूसरे पर डिपेंड होता है, दोनों एक दूसरे पर कंप्लीटली डिपेंड होते हैं, सिम्बियोटिक रिलेशन कहलाता है। और ये जो प्रोसेस होते हैं ये ग्रेट सिग्निफिकेंट होती है फॉर द फार्मर्स, क्यों, क्योंकि रिड्यूस हो जाता है फार्मर्स का बर्डन कि जिससे वो फर्टिलाइजर की प्रोसेस जो है, फर्टिलाइजर मिलाने की जो प्रोसेस है उसको कम कर दें, क्योंकि ये नेचुरली तरीके से हो जाता है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जहाँ पे पल्सेस ज़्यादा होती हैं, मोस्ट ऑफ दी पल्सेस जो होती हैं, दाल होती हैं, वो लेग्यूमिनस प्लांट को ऑब्टेन कर लेती हैं। लेग्यूमिनस प्लांट का क्या मतलब है, अभी हमने डिस्क्राइब किया है। लेग्यूमिनस प्लांट्स का मेन, किसी भी प्लांट्स में या किसी भी जो पल्सेस वाली प्लांट होती हैं उनके रूट में जब राइजोबियम बैक्टीरिया आ जाते हैं और नाइट्रोजन गैस को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और प्लांट अडॉप्ट कर लेते हैं, उसको बोलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट। चैप्टर यू हैव लर्न, हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर में, इसको देख लो। पहले हमने ऑटोट्रॉप्स को पढ़ा, मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उसके बाद हमने पैरासाइट को पढ़ा, जिसमें एग्जांपल कौन था, अमरबेल था, जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंड था, और जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पैरोट्रॉपिक बोलते हैं। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ऑल एनिमल्स कैटेगराइज एज हेटरोट्रॉप्स, जो एनिमल्स हैं, जितने भी ह्यूमन बींग या एनिमल्स हैं, वो हेटरोट्रॉप कैटेगराइज किए जाते हैं। क्यों, क्योंकि अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, भोजन के लिए, फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉप्स बोलते हैं।
इसके अलावा हमने इन्फेक्टिवोर ऑफ प्लांट्स के बारे में बात की। इन्फेक्टिवोर ऑफ प्लांट्स जो कि एनिमल छोटे छोटे जो इंसेक्ट हैं उनको ईट करते हैं, उनको खाते हैं, वो इन्फेक्टिवोर ऑफ प्लांट्स कहलाते हैं। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जो इन्फेक्टिवोर ऑफ प्लांट होते हैं उनको हम हेटरोट्रॉप्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, पार्शियली हेटरोट्रॉप्स हम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वे भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं। जो कीवर्ड्स यहाँ पर है, कीवर्ड्स क्या करते हैं पहले इसके बारे में समझो। जो भी आपने चैप्टर में कंप्लीट पढ़ा है, यदि आप लास्ट में जब कीवर्ड्स देखते हो, यदि आपको कीवर्ड समझ में आ रहे हैं, जितने भी कीवर्ड्स हैं यदि आपको समझ में आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ लिया, चैप्टर आपको समझ में आ गया। बट यदि आपको कीवर्ड समझ में नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब है आपने चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा, आपको अगेन ज़रूरत है चैप्टर को पढ़ने की। ओके, तो यहाँ पर देखना ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं, क्लोरोफिल, हेटरोट्रॉप्स, होस्ट, इंसेक्टिवोरस, न्यूट्रेंट, न्यूट्रिशन, पैरासाइट, फोटोसिंथेसिस, स्पैरोट्रॉप्स, स्पैरोट्रॉपिक एंड स्टोमेटा, ये सभी टॉपिक्स जो हैं डिटेल्स में डिस्कस किए गए। यदि अभी आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ इसको एक बार फिर से देख लें, चैनल को पीछे से स्टार्ट करें, मतलब पार्ट वन से अगेन देखें और देन पार्ट टू में आएँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक इट हिट द लाइक बटन, एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, मेक श्योर टू सब्सक्राइब ED Explained एंड प्रेस द बेल आइकॉन।